हाय गाइस, नादिर सिद्दीकी हियर। आज की इस न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, यहाँ पर बहुत से लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ये पूछा है कि क्या एप्पल की लोकल बैटरी बदलवाना सही है, क्या हम उसमें पैसे डाल सकते हैं कि हमें ओरिजिनल बैटरी ही डलवानी चाहिए। यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। एंड इस वीडियो में ये भी आपको पता चलने वाला है कि अगर आपकी आईफोन की बैटरी हेल्थ कम है तो वो कैसी परफॉर्म करती है। गाइस, यहीं पर मैंने अभी 3 दिन पहले यूट्यूब पर एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि क्या आईफोन 7 2021 में लेना चाहिए या स्किप करना चाहिए। अभी तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं आज की इस वीडियो में, हम लोग जो आईफोन यूज़ कर रहे हैं उसकी बैटरी हेल्थ है 54%। यहाँ पर हम इसको सबसे पहले स्टॉपवॉच लगा के स्टार्ट करेंगे, देन इसको ड्रेन करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कितना वक्त लगता है इसको पूरी बैटरी ड्रेन करने में। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोकल बैटरी चेंज करवाएंगे शॉप पर जाकर, देन उसके बाद फिर अगेन टेस्ट करेंगे कि कितना वक्त लग जाता है इसको फिर से ड्रेन होने में। तो यहाँ पर आपके पास एक्चुअल रिजल्ट आ जाएगा। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। गाइस, यहाँ पर हमने बैटरी को ड्रेन करने के लिए ज़्यादातर हैवी टास्क की यूज़ करा ताकि बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाए। जैसे कि हमने 4K पे 30 FPS वीडियो बनाई है, 5 मिनट तक वीडियो प्लेबैक कराए, ऑन टू टू स्कोर रन करा दो दो बार। यही सेम चीज़ हमने आफ्टर जब हमने बैटरी चेंज करवाई तो उसके बाद भी टेस्ट करा था, तो यहाँ पर आपको सामने रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। गाइज, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं 1% बैटरी बची हुई है एंड इसको फिनिश करने में, इसको ड्रेन करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया है। एंड एप्पल की जो ओरिजिनल बैटरी रहती है उसकी खासियत ही यही रहती है कि जो 1% पे आने के बाद वो बहुत ज़्यादा देर तक चलती है। लेकिन गाइज, यहाँ पर जो बैटरी हेल्थ है हमारी वो 54% है, उसके कारण जो इसका टाइम है आप देख सकते हैं यहाँ पर 40 मिनट में इसमें 1% पे आ गया है। एंड अभी आगे देखते हैं कि कितना और चलता है ये एंड कितना मैक्स टाइम लेता है फुल ड्रेन होने में। तो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं 51 मिनट में पूरा फ़ोन डेड हो चुका है, यहाँ पर 1% भी बैटरी लेफ्ट नहीं रही है। तो यहाँ पर जो 54% बैटरी हेल्थ थी उसके कारण ये 51 मिनट ही चल पाया है। अब यहाँ पर हम लोकल शॉप पे जाएंगे एंड लोकल बैटरी चेंज करवाएंगे, देन उसके बाद उसका रिजल्ट देखेंगे कि वो कैसी परफॉर्म करती है। तो गाइज, यहाँ पर मैं वर्कशॉप पर आ चुका हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो फ़ोन है उसकी जो बैटरी हेल्थ है वो 54% है। एंड यहाँ पर जो हम इसमें बैटरी लगवाने वाले हैं वो एक लोकल बैटरी है जिसकी कॉस्ट है 700 रुपीज़। एंड यहाँ पर आपको 6 मंथ्स की वारंटी भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर फटाफट से इसको चेंज करवा लेते हैं। यहाँ पर भी मैंने बोला था आपसे आईफोन 7 के रिव्यू में कि जब बैटरी चेंज होगी तो मैं आपके लिए वीडियो शूट कर लूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्पल की ओरिजिनल बैटरी लगी हुई है एंड यहाँ पर हम ये लोकल बैटरी लगा देते हैं। एंड गाइज, यहाँ पर इसको लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जो इसकी बैटरी हेल्थ रहती है वो 100% हो जाती है। एंड गाइज, यहाँ पर आपको 6 मंथ्स की भी वारंटी मिल जाती है। अगर एक भी परसेंटेज बैटरी गिरे तो आप इसको वापस से चेंज करवा सकते हैं, इसमें आपको कोई भी इशू नहीं आएगा।
सो गाइज यहाँ पर हम अपने स्टूडियो में वापस आ गए। बात करते हैं, मैंने फ़ोन को फुल 100% चार्ज कर लिया है। यहाँ पर चार्जिंग टाइम में भी डिफरेंस आ चुका है। 53% जब था जब फ़ोन बहुत लेट चार्ज होता था, यहाँ पर जल्दी से ये चार्ज हो गया है। अगर आपके चार्जिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। हमारा मेन फोकस है इस वीडियो का बैटरी कितनी चलती है उस पर। तो यहाँ पर बात करते हैं, टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा हमने 53% बैटरी हेल्थ के साथ करा था वैसे ही सेम टेस्ट इसके साथ करेंगे। वो 51 मिनट तक चल पाया था 53% वाला, इसको देखते हैं कितना चलता है। 51 मिनट के बाद हम टास्क को और बढ़ा देंगे, थोड़ा हैवी करेंगे ताकि बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाए एंड आपको एक अंदाज़ा लग सके। यहाँ पर 500 स्नैप्स लेंगे सबसे पहले। गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं 500 स्नैप्स लेने के बाद 1% भी बैटरी नहीं गिरी है। एंड यही मैं बात करूं 53% बैटरी हेल्थ में हमने जब 500 स्नैप्स लिए थे तो 4 से 5% बैटरी गिर गई थी। आप आगे देखते रहिए एंड अगर आपको थोड़ा सा भी बोर फील हो तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं कि कितना टाइम लगा था इसको फुल ड्रेन होने में। गाइज़ यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं बैटरी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, आधे से ज़्यादा बैटरी बची हुई है एंड 51 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। हमारी जो पहले जो हमने टेस्ट करा था 54% बैटरी हेल्थ के साथ, तो वो 51 मिनट में ख़त्म हो गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड मैंने इस टास्क को ज़्यादा हैवी बनाने के लिए मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर दिया है, 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया एंड देखते हैं यहाँ पर कितना वक्त लगता है इसको पूरा ड्रेन होने में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने स्टार्ट करा है 4K 30 FPS प्लस फ्लैश ऑन, यहाँ पर फ़ोन थोड़ा सा वार्म हो रहा है एंड देखते हैं कितना वक्त लगता है इस फ़ोन को पूरा ड्रेन होने में। एंड गाइज अगर ये 2 घंटे के पार चला जाता है तो आराम से आपका एक दिन ये वाली फ़ोन बैटरी निकाल देगी क्योंकि हम इसको कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं। एंड गाइज अगर आपका और कुछ भी डाउट हो बैटरी को लेकर तो आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर ज़रूर से पूछ सकते हैं क्योंकि मैंने इस बैटरी वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा टाइम दिया है एंड मुझे बहुत सी चीज़ें मैं वीडियो में नहीं बता सकता जो मैं आपको इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट रिप्लाई कर सकता हूँ। अगर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं तो ज़रूर से मुझे वहाँ पर फॉलो भी कर लें। सो गाइज यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं 2 घंटे 5 मिनट एंड 24 सेकंड में बैटरी फुल ड्रेन हो चुकी है। यहाँ पर फ़ोन में अब 1% बैटरी नहीं बची है। यहीं पर मेरे फाइनल वर्डिट की बात करूँ कि क्या हमें आईफोन 7 या कोई से भी आईफोन की लोकल बैटरी चेंज करवानी चाहिए, तो इसका जवाब है बिल्कुल आप करवा सकते हैं। आपको कोई भी ऐसा मेजर इशू देखने को नहीं मिलेगा, कम प्राइस भी है, आपको ओरिजिनल बैटरी 2500 की मिलेगी एंड यही बैटरी आपको 700 की मिल रही है एंड परफॉर्मेंस भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। एंड अगर आपका बैटरी हेल्थ गिरता है तो आप जाकर इसको चेंज भी करवा सकते हैं क्योंकि इसमें 6 मंथ्स की वारंटी भी आपको मिलती है। एंड गाइज अगर आपका और कुछ भी डाउट हो आईफोन 7 या किसी भी आईफोन की बैटरी को लेकर तो आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने से पहले मुझे ज़रूर से फॉलो कर लें। एंड गाइज लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो ने ज़रा सी भी हेल्प करी है तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी दबा दें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।